और गिफ्ट मंजिल है पहला सवाल है, सही जवाब आप जीत सकेंगे 5000 कैश हे की तरफ से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। अनार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अनार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एवोकाडो, क्रैब एप्पल, डेट्स या पोमेग्रेनेट। अनार को अंग्रेजी पहला ही सवाल इतना मुश्किल दे दिया है तो अगर इजाजत हो तो मैं क्लिक करूं। जी नहीं नहीं, आप मुझे बताएंगे ऑप्शंस आपने इधर क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ ऑप्शन लेनी है ए बी सी डी में। डी डी पोमेग्रेनेट। जी जी, अब मैं क्या पूछूं, चलें जी लॉक करें इसको पोमेग्रेनेट। बताइए जवाब सही है कि गलत। सही जवाब है। बच्चों को कौन सा खाना या फ्रूट या सब्जी खिलाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मदर्स को? क्या है ना, खाने में होता है ना बच्चों का कि ये खाना है ये नहीं खाना, तो क्या पसंद नहीं है उनको और फिर कैसे खिलाते हैं आप लोग? आर यू मैरिड? आपके आपके बच्चे हैं? हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? आई हैव 3। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड व्हाट आर देयर एजेस? द एल्डेस्ट इज 12 ईयर, then 8 and then 1। हाँ, तो सारे पेरेंट्स ही यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं जब माय यंगर सिस्टर यूज टू हैव अ प्रॉब्लम? बहुत अच्छा फार्मूला होता है कि वाइफ को दिया कि अब आप देख लो और मैं चला जाता। यही होता है ना घर में विद, यही होता है। तो आपके पास कोई है वो टोटका या गुर बच्चों को कैसे संभालती है जब वो नहीं खाना चाहते कुछ? तो हाउ डू यू? टोटका कुछ नहीं होता, बस यही है जबरदस्ती आंखें दिखा दिखा के डांट डांट के। अच्छा, फिनिश करोगे तो आगे कुछ करोगे। अच्छा यही है आंखें। ऑलराइट, जुल्म। हाँ ठीक है। हाँ भाई, वो बैड कॉप और गुड कॉप तो पेरेंट्स का चलता रहता है ना, फादर इज द गुड कॉप, माँ जो है वो डांटती है और फादर जो होते हैं वो लाड प्यार करते हैं, है ना, यही चलता है। अच्छा जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हैश जूलर्स की तरफ से वी हैव अ ज्वेलरी सेट फॉर यू। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।